अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल की खिचड़ी, या इसको कबूली भी कहते हैं। और इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। ये मेरे पास 2 गिलास चावल हैं, इसको मैंने साफ़ करके भिगो के रखा हुआ है। और 1 पाव मेरे पास चने की दाल है, इसको भी मैंने जल्दी के लिए, इसको देखें बॉयल किया हुआ है, पूरा डन नहीं है ये अभी। ये एक बड़ी प्याज थी मेरे पास, इसको मैंने स्लाइस में कट किया है। और इसमें गर्म मसाले में जाएंगे ये तेज़पात है मेरे पास 2-3। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, 1 ये बड़ी इलायची है, 8-10 काली मिर्चें हैं, 3-4 लौंग हैं, और 2 टमाटर को मैंने कट किया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, 8-10 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना जाएगा इसमें। और ये मेरे पास को मैंने ग्राइंड किया है, मेरे पास 1 टेबलस्पून सौंफ थी और 1 टेबलस्पून है मेरे पास साबुत धनिया था, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल जाएगा इसमें, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, 1 कप डालिएगा। फ्लेम गो ऑन करते हैं। तो ये देखिए प्याज और साबुत गरम मसाला, ये सारा इसमें जाएगा एक साथ। प्याज को हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। और ये जब गर्मी में ज़्यादा खाने को दिल नहीं चाहता तो कुछ समझ में आए झटपट ये आप बनाएं दोपहर के टाइम, इसके साथ अचार हो, दही का रायता हो, बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल लाइट होती है ये। चलिए ये देखें गोल्डन हो रहा है प्याज, इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी, जब चावल तैयार होंगे ऊपर उसके जाएगा वो। प्याज मैंने निकाल लिया है, अब इसमें अदरक लहसुन जाएगा। देखिए इसमें टमाटर जाएंगे, और ये हरी मिर्चों को थोड़ा सा कट करके डालूंगी मैं। इस तरह से आप कट लगा लें। जाएगा नमक, थोड़ा सा फ्राई करेंगे हल्का सा मिक्स करके। ये दाल जाएगी इसमें। दाल को मैंने बॉयल इसलिए किया था जल्दी के लिए कि जल्दी से बन जाइए। अभी इसमें ये जो सौंफ और साबुत धनिया था वो जाएगा। देखिए इसकी भुनाई हो चुकी है, अभी इसमें चावल जाएंगे। चावल तकरीबन आधे घंटे से मैंने भिगो के रखे हुए हैं। दो गिलास थे मेरे पास और इसमें पानी मैं डालूंगी अभी तकरीबन, चावल क्योंकि दाल भी गली हुई है और चावल भिगे हुए हैं इसलिए मैं 3.5 गिलास डालूंगी। अगर आपने चावल दाल नहीं गलाई हुई तो आप 4 गिलास भी डाल सकते हैं। 2 गिलास ये सेम, और ये देखें ये 1/2 गिलास और जाएगा इसको डाल के। तो इसी के साथ मैं अभी ये पुदीना है मेरे पास, ये पुदीना भी डाल दूंगी। इसको मीडियम लो फ्लेम पे हम ढक्कन रख के इसको मैं तैयार होने तक इसको पकाते हैं। तो ये देखें चावल तैयार हैं, इसमें मैंने प्याज भी डाल दी है
और इसमें मैंने सॉल्ट को चेक किया था, वो कम था क्योंकि मैंने 2 टीस्पून डाला था, वो थोड़ा सा कम था, हाफ़ टी स्पून मैंने और डाल दिया था। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो चलें इसको मैं निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। तो देखें चावल तैयार हैं, अभी मैंने इनको डिश आउट किया है, इसके साथ मैंने रायता बनाया है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलें मिलते हैं अगली रेसिपी में। अकेला